तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम अपने दूसरे वर्ल्ड में आए हुए हैं। क्या तुम लोग गेस करके बता सकते हो कि हम लोग कौन से वर्ल्ड में हैं? इस वाले बिल्डिंग को देखो और गेस करो। आई गेस तुम लोगों को याद आ जाएगा। क्या तुम लोगों ने गेस किया? मैं भी किने चोमू बना रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि आज हम लोग अपने सीक्रेट हाउस वाले वर्ल्ड में है। और हम लोग एक नया सीक्रेट हाउस बनाने वाले हैं, क्योंकि यार अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम लोगों को पता ही है कि मैं हैरी पॉटर का कितना बड़ा फैन हूँ। और मुझे ऐसी जादुई कुछ सीक्रेट चीज करने में बहुत मजा आता है। और मैं फेस रिवील भी बहुत जल्दी करने वाला हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तो आज इस सीक्रेट हाउस वाले विलेज में हम लोग एक नया सीक्रेट हाउस बनाएंगे, जो हमारे लास्ट सीक्रेट हाउस से तो बहुत ज्यादा ही तड़कती फड़कती होगी। तुम लोगों को तो याद ही होगा कि हमारे लास्ट सीक्रेट हाउस वाले एपिसोड में हम लोग इस घोड़े पे विलेज को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए थे, और हमें ये एक प्यारा सा विलेज मिल गया। और यहाँ पर हम लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर में अपना सीक्रेट हाउस बनाया था। क्या तुम्हें याद है वो सीक्रेट हाउस कैसे खुलता था? अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी एक सामान डालेंगे तो ये दरवाजा हमारा खुल जाएगा और हम अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सीक्रेट हाउस है। कितनी सही चीज बनाई थी हमने यार। वापस से सामान डाल दो तो ये बंद हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट हाउस है। ये बहुत लोगों ने ट्राई भी की थी और तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्स भी भेजे थे कि तुम्हारा सीक्रेट हाउस भी बहुत अच्छा बना था। तो आज वैसे ही हम लोग एक और सीक्रेट हाउस बनाएंगे। तो मैं इस विलेज में एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर विलेजर्स तो है। ओ भाई, इसको क्या हो गया? पागल वागल हो गया क्या? मैं गरीब हूँ। लेकिन ये डेढ़ फुटिया विलेजर्स भी यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं। मतलब ये बड़े विलेजर्स तो यहाँ पे इतने हैं ही नहीं, तो ये छोटे छोटे इनके बच्चे कहाँ से टपके? ऊपर आसमान से टपके हैं क्या? और ये लोग भी एक दूसरे को घूरते हैं। ये बड़ों में तो रोमांस बाजी चल ही रही है, ये बच्चों में भी हो गया है क्या? सारी गलत संगत का असर है ये सब। ये देखो इस बच्चे को देखो यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे बच्चों की मीटिंग चल रही है। मतलब यही रह गया था अब देखना। ये देखो एपी की भी इनके रोमांस से परेशान है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ओहो, इनकी मीटिंग की सीरियसनेस तो देखो, जैसे को कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं लोग। चड्डी में इनका मूतना बंद नहीं हो रहा है बड़े वैक्सीन बनाने। और ये देखो ये जनाब हमारे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, क्या लेकर घूम रहे हैं ये? भाई साहब रहने दो, आपका एमेरल्ड आपको ही मुबारक हो। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है यहाँ पर? ये विलेज में स्केलेटन घूम रहा है और वो भी एक डायनासोर की हड्डी पे। भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और इन विलेजर्स को इनसे डर क्यों नहीं लग रहा? और तो और दिन हो रहा है तो स्केलेटन जल क्यों नहीं रहे हैं? मतलब क्या ही हो रहा है यहाँ पर? भाई साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं सर्वाइवल में आ गया ना तो ये जरूर मुझे मारेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये मैं क्रिएटिव मोड ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं कर रहे। चलो बढ़िया, अगर विलेजर्स को इनसे डर नहीं लग रहा तो हमें क्या प्रॉब्लम है? इनका प्यार से ध्यान हटे तब तो इनका स्केलेटन पे नजर जाए। तो जो मैंने सीक्रेट हाउस बनाने का सोचा है ना, वो बहुत ही गजब होगी और किसी को भी हिंट नहीं लगेगा कि मैंने ऐसा सीक्रेट हाउस बनाया है। देखो एक विलेज की सबसे खास बात क्या होती है, क्या तुम लोग बता सकते हो मुझे? विलेज की सबसे खास बात ये होती है कि वहाँ पर हर जगह इस तरीके से लाइट्स चलती रहती है, तो हम दूर से ही रोशनी को देखकर पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर विलेज है। यहाँ पर सब जगह लाइट्स लगाई हुई होती है और वैसे ही नीचे कैंप फायर भी लगा होता है। तो मैं यहाँ पूरे विलेज में घूमकर देख रहा था तो मुझे यहाँ पर एक भी कैंप फायर नहीं दिखा। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चले कि यहाँ पर विलेज है, तो मैं यहाँ पर एक कैंप फायर लगा दूंगा तो ये एक सिंबल होगा कि यहाँ पर विलेज है। लेकिन उस कैंप फायर के नीचे ही हमारा सीक्रेट हाउस होगा, जो कभी भी कोई गेस भी नहीं कर पाएगा। मतलब हमारा सीक्रेट हाउस इतना गजब होगा ना, किसी को समझ भी नहीं आने वाला कि यहाँ पर हाउस हम लोगों ने बनाया है। ये वाला सीक्रेट हाउस तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो चलो हम लोग उसे यहाँ पर बनाएंगे। उसे बनाने के लिए पहले हमें तो एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी। यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ हो गया है, माय गॉड, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी ये सब अंदर नहीं जा रहे। ओह, इस घर के अंदर तो पूरी भीड़ लग चुकी है लगता है। एक बेड के ऊपर पांच पांच बच्चे नाच रहे हैं यहाँ पर। इतने बच्चे आए कहाँ से यार? यार कोई इतने भरे पॉपुलेशन में इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर सकता है? यहाँ ऊपर में भी बेड लगा है, भगवान जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये आदमी भी यहाँ आ गया है, मुझे लगता है और बच्चे कर जाएगा। इस चेस्ट के अंदर क्या है? कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं रखी हुई है ना? निकाल के ले जाता हूँ फटाफट। चलो नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान रखो, आराम से रहो, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। अरे इस डायनासोर को उसका स्केलेटन छोड़ के चला गया, उसका तो अभी भी जिंदाबाद है। ये अकेला हो गया बेचारा, इसके ऊपर मैं राइड कर सकता हूँ क्या? क्या पता मैं इसके ऊपर राइड कर पाऊँ, ये तो बड़ी अलग तरह की सवारी होगी। ये मैंने सैडल निकाला और इस पर लगा दिया और मैं इसकी भी सवारी कर सकता हूँ। अरे यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इसकी भी सवारी कर सकता हूँ।
वूहू यार ये तो बड़ी गजब की है, एकदम रियल हॉर्स है ये। ओए स्केलेटन आ जा, हम लोग दोनों दोस्त। कितना मजा है यार। यार तेरी सवारी बड़ी गजब है, हालांकि मेरा घोड़ा भी बहुत बढ़िया है। ये देख घोड़े, तेरा नया दोस्त। मुझे आइडिया नहीं था मैं इसकी भी सवारी कभी कर पाऊंगा। तुम लोगों ने किया है क्या स्केलेटन हॉर्स की सवारी यार? चलो हम इसे भी यहीं पर रखेंगे, कहीं इधर उधर चला ना जाए। चलो हमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, हमें फटाफट से अपना सीक्रेट हाउस बनाना है यार, उसे बनाने में भी काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है तो बारिश भी रुक चुकी है, अब हमें अपना सीक्रेट हाउस बनाना है कैंप फायर के नीचे। तो कैंप फायर ऐसी जगह लगी होनी चाहिए कि किसी को भी शक ना हो कि यहाँ पर कैंप फायर क्यों है। मतलब वो ऐसा लगना चाहिए कि वो विलेज के लिए रखा गया है। तो ऐसी जगह, ओए एक सेकंड, ये स्पाइडर यहाँ क्या कर रहा है? ये सनलाइट से बचने की कोशिश कर रहा है। तो बाहर आ, ये देख वो ज़ॉम्बी खत्म हो गया, अभी तेरे भी खत्म होने का टाइम आ गया है। निकल यहाँ से, बाहर निकल, बाहर निकल, अब चल धूप में जा तू। मुझे स्पाइडर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अब मैं अपना कैंप फायर कहाँ लगाऊंगा जहाँ पर ये विलेजर्स भी इतना ध्यान न दे और ऐसा लगे कि एक विलेज का सिंबल है। यहाँ पर तो पानी है तो यहाँ बनाना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमारा अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस होने वाला है। उससे मैं यहीं पर ही बना लेता हूँ, आई गेस ये प्लेस सबसे सही रहेगी। यहाँ पर आसपास में कोई है भी नहीं, ये एनिमल्स ही है। हमारा पिग बैठा है यहाँ पर। पिग तो नहीं बताएगा ना किसी को यहाँ सीक्रेट हाउस है? नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो सबसे पहले मैं सामान रेडी कर लेता हूँ, बहुत थोड़े सामान की जरूरत है, ज्यादा नहीं। ओके गाइज, हम लोग पूरे सामान के साथ रेडी है। तो हमें सबसे पहले कैंप फायर सेट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर कैंप फायर सेट कर दिए, मतलब इसके नीचे हम लोग अपना अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस बनाएंगे। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से दो ब्लॉक आगे तोड़ के हम लोग अंडरग्राउंड में होल कर लेंगे। हम लोग फोर ब्लॉक नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक होल बना लेंगे। ऊपर की लेयरिंग तो ऐसे ही रहने देंगे और एक नीचे और जाकर हम यहाँ पर अपने लिए एक रूम बना लेंगे। हम लोगों को 4x4 का नीचे में होल करना है और यहाँ पर पूरा एक रूम बनाना है। ओके गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो मैंने यहाँ पर पूरा एक होल कर लिया है और यहाँ पर मैं अपना मैकेनिज्म बनाऊंगा और यहाँ पर हमारा सीक्रेट हाउस होगा, तो हम इसे बाद में और तोड़ लेंगे। तो अभी हम बाहर चलते हैं, हमारा ये कैंप फायर है, हमें इसके जस्ट नीचे एक होल करना है। तो हम बाहर से ही होल कर लेते हैं, यहाँ पर इसे ऐसे होल कर लिया और एक बार हम इसे ऐसे करके कवर कर देते हैं। अब हमें नीचे जाना है और इस होल के ऊपर में हमें एक ऑब्जर्वर लगाना है कुछ इस तरीके से। तो इसका आउटपुट डाउन फेसिंग होगा और इसका जो फेस है ऑब्जर्वर का वो ऊपर होगा। हमारा ऑब्जर्वर कुछ इस तरीके से लगा होगा, तो इसके ऊपर में हम लगा देंगे कैंप फायर। ओके हम लोगों ने अपना सीक्रेट हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया है। ओए ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोग यहाँ पे अपना रोमांस बाजी बंद नहीं करेंगे ना? यहाँ पर मैं सीक्रेट हाउस बना रहा हूँ, इन लोगों को शांति नहीं है बिल्कुल भी। और एक तो बारिश भी शुरू हो गई, और बारिश हम होने देते हैं क्योंकि हमें अपना सीक्रेट हाउस अंदर में बनाना है। तो हम यहाँ से अंदर जाते हैं। ओके हम यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी कर लेते हैं। ओके तो तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ ऑब्जर्वर का आउटपुट लगाया है। अब इसके नीचे में हम रखेंगे एक ब्लॉक और एक और ब्लॉक और ऊपर वाले को तोड़ देंगे और यहाँ पर हमें रखना है एक रेडस्टोन डस्ट कुछ इस तरीके से। ओके अब हम इसके नीचे में आएंगे और यहाँ पर एक और ब्लॉक लगा देंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पर भी एक और ब्लॉक रख देंगे। कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है, हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही ऊपर कर ली। मुझे एक लेयर नीचे बढ़ा देनी चाहिए, मुझे एक लेयर कवर करना होगा। ओके तो हमारा सीक्रेट हाउस के लिए वो ठीक से बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक लेयर नीचे में और बैठा दिया है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें एक रिपीटर रखना है। तो हम रिपीटर लेंगे और हम रिपीटर को कुछ इस तरीके से फेस करते हुए लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर इसे ऐसे लगाना है। ओके तुम लोग देख सकते हो ये नॉच इस तरफ होना चाहिए, तो हम इसे फुल पर सेट कर देंगे। सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है तो मैंने एक दीवार का गैप और बनाया यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक और रेडस्टोन डस्ट रखेंगे और कुछ इस तरीके से कनेक्शन बनाएंगे अपना। और यहाँ पर हम अंडरग्राउंड में होल कर यहाँ पर भी अपना कनेक्शन ऐसे लगा देंगे। ओके तो इंसानों से थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है, मुझे एक्चुअली में डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाना था, मुझे यहाँ पर पहले ये लेयर बना लेनी चाहिए 1, 2, 3 और यहाँ पर हमें रेडस्टोन डस्ट लगाना है। अभी ठीक है तो हम इस तरीके से अपना कनेक्शन करेंगे और यहाँ पर हम इसे ऐसे लेकर जाएंगे। अभी तक तो ये ठीक चल रहा है मेरे हिसाब से कनेक्शन, देखते हैं कुछ होगा तो और करेक्शन कर लेंगे। अब हमें एक ऑब्जर्वर लेना है और इसके यहाँ पर फेस करते हुए ऐसे लगाना है। तो ये आउटपुट इधर होना चाहिए और फेस इसका उस तरफ होना चाहिए, ये सही है। और इस आउटपुट के इधर में हम लगा देंगे स्टिकी पिस्टन, लेकिन हमें इसे अप फेस करते हुए लगाना है। तो हम इसे नीचे से लगाएंगे। ओके और नीचे वाले को तोड़ देंगे, तो स्टिकी पिस्टन भी सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक और रिपीटर लगाना है कुछ इस तरीके से और इसे 1 पर सेट कर देना है। ठीक है गाइस, तो लग रहा है अब तक हमारा सही चल रहा है। ओए ये क्या हुआ,
ये कहाँ से आ गया अचानक? अरे यार, इसने मेरा सीक्रेट हाउस देख लिया। बे यार, तुझे अब भी आना था क्या? मुझे एक बात बता, तू बाहर जाके सबको बताएगा कि ये मेरा सीक्रेट हाउस बन रहा है यहाँ पर? अबे हाँ बोला या ना बोला, कैसी अजीब सी भाषा है इन लोगों की, कुछ समझ ही नहीं आता। देखो गाइस, कुछ बड़ी चीज बनाने के लिए ना ऐसी छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। रुक रुक, कहाँ जा रहा है तू? यार मैंने उसकी कुर्बानी दे दी यार, बहुत बुरा लग रहा है उसे मार के। सच कहूँ ना तो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। अब अपना सीक्रेट हाउस पूरा करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये रिपीटर लगा लिया था, अब इसके ऊपर में हमें ऑब्जर्वर लगाना है। तो इसके ऊपर में हमें लगाने के लिए बैठना होगा, तो आउटपुट ऊपर आ जाएगा। अब इस ऊपर वाले आउटपुट पे एक छोटी सी गड़बड़ और हो गई है लगता है। हमें इससे अंदर में करना था, ये तो 2 सेकंड का काम है। ओके, हम लोगों ने इसे अंडरग्राउंड में कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर में ऑब्जर्वर लगाना है। ओके, तो ये अब फेस करते हुए हमने ऑब्जर्वर ऊपर लगा दी है, तो इसका आउटपुट ऊपर है। अब हमें इसके ऊपर में एक ब्लॉक रख देना है और यहाँ पर हमें 2 स्टिकी पिस्टन रखना है कुछ ऐसे। तो अब हमारा मैकेनिज्म आई गेस पूरा रेडी हो चुका है, अब इसमें और कुछ करने जैसा नहीं है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैकेनिज्म काम कैसे करेगा, किसी को पता कैसे नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट हाउस है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले हम बाहर जाएंगे, अब इसे हम ढक देंगे। अब जैसे ही हम इस आग को बुझाएंगे वैसे ही हमारा सीक्रेट रास्ता खुल जाएगा। तो ये देखो, हमारा यहाँ से ये सीक्रेट एंट्रेंस खुल चुका है और इसके अंदर हम इसे तोड़कर यहाँ से जा सकते हैं और हम अपने सीक्रेट हाउस में आ जाएंगे और इसे वापस से जैसे ही बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो यार गाइस, तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने कितनी जबरदस्त सीक्रेट हाउस बना लिया और किसी को यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही कैंप फायर हर विलेज में लगा रहता है, किसको क्या आइडिया होगा कि यहाँ इसके नीचे में एक सीक्रेट हाउस है और इसको उसके लिए बुझाना होगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी कैंप फायर को बुझाता है। तो हम इसे यहाँ पर एक बार और खोल कर देखते हैं। तो इसे हम खोल लेते हैं और हमारा सीक्रेट हाउस का एंट्रेंस खुल गया है। यार कितना गजब है। बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि हम इस ब्लॉक को तोड़कर नीचे जाना पड़ता है, नहीं तो हम इसके अंदर जा नहीं पाएंगे, यहाँ पर इतना जगह नहीं है। तो इसका एक और रास्ता भी है, या तो ऐसे तोड़कर चले जाओ या फिर अगर हमें इजी रखना है चीज को तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक स्लैब लगा देंगे। तो हम सैंडस्टोन स्लैब यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे, और बाकी ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो हम बाकी सबको भी यहाँ सैंडस्टोन का कर देते हैं। तो हम इसे ऐसे कर फटाफट लगा देते हैं ताकि किसी को शक भी नहीं होगा। तुम लोग चाहो तो एक सैंडस्टोन वाली जगह पर ही पूरा अपना सीक्रेट हाउस बना सकते हो, तब तो किसी को भी शक नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ है। वैसे भी यहाँ पर भी ये पूरा बढ़िया लग रहा है एकदम, किसको क्या पता चलेगा, कौन इतना ध्यान देने वाला है यहाँ पर। अभी हम इसे ऑन करेंगे तो हमारा ये दोनों बाहर आ गया। अब इसे भी हम सैंडस्टोन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके गाइज, मैंने एक बार ऐसे कर लिया है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही हम इसके अंदर वापस से पानी डालेंगे हमारा सीक्रेट एंट्रेंस खुल जाएगा और इसकी जगह हम यहाँ पर स्लैब लगा देंगे। तो इसे तोड़ा और यहाँ पर एक स्लैब लगा दो। ओके, तो पहले हम यहाँ से जाएंगे, फिर नीचे आएंगे और क्राउच करेंगे और यहाँ से हम आराम से निकल जाएंगे। देख रहे हो कितना सिंपल है ये। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, क्राउच करेंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। तुम लोग भी इसे जरूर से ट्राई करना, ये बहुत गजब बनी है। अब हमें सिर्फ सीक्रेट एंट्रेंस ही नहीं बनाना था, हमें अंदर में घर भी बनाना है। तो हम यहाँ से जाएंगे और हम लोग इस साइड में अपना घर बनाएंगे, क्योंकि इधर में तो अपना पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे, हम अपना यहाँ पर घर बना लेंगे। तो हम इसे यहाँ पर कवर कर देते हैं ताकि कोई वहाँ पर जाए नहीं। तो ओके गाइस, मैंने इसे पूरा कवर कर दिया है, मैंने इसे यहाँ पर कवर कर दिया और अब हम यहाँ पर इसे बड़ा कर अपना सीक्रेट हाउस बना लेते हैं। यहाँ से हम अपना एंट्रेंस देंगे। ओके गाइस, तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा अपना सीक्रेट हाउस का बेस बना लिया है। अब मैं इसे अच्छे से डेकोरेट करूंगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपना सीक्रेट हाउस देख के। क्या एंट्रेंस है ये एंट्रेंस कोई नहीं समझ पाएगा। और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा रेडी कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पूरा अपना रूम बना लिया है, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या चीज की जरूरत है, हम लोगों ने अपने पिछले सीक्रेट हाउस में कितना कुछ बना लिया था, तो इसे हम थोड़ा सिंपल ही रखेंगे क्योंकि यार सिंपल घर भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपना बेड लगा देते हैं, तो यहाँ पर आकर हम कभी भी सो सकते हैं। और हमें सामान रखने के लिए हम यहाँ पर चेस्ट लगा देते हैं और यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल देंगे। बढ़िया, हमारा बहुत अच्छा लग रहा है घर। और सबसे जरूरी चीज, बेल आइकन, यहाँ पर हम नोटिफिकेशन बेल लगाएंगे अपना। ये नोटिफिकेशन बेल बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पर हम लोग सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन रखेंगे। तुम लोग भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि तुम लोग को वीडियो आते ही पता चल जाए। और हो सकता है कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी जल्दी से शुरू कर दे, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि तुम लोग को पहले ही पता चल जाए। और इस घर में कोई चीज की कमी तो है नहीं, क्या मुझे बाथरूम भी रखना चाहिए? यहाँ पर मैं एक संडास लगा दूं क्या? ये
कैसा लग रहा है यार, एंट्रेंस भी संडास कौन रखता है यार। यहाँ से घर में घुसेंगे और सबसे पहले संडास के दर्शन होंगे, कितना अजीब लग रहा है। इसे हटा देते हैं, हमारा ये सीक्रेट हाउस पूरा रेडी हो चुका है गाइस। तो तुम लोग को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी तुम लोग जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो ताकि तुम वीडियो सबसे पहले देख सको। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो नीचे माइनक्राफ्ट सीक्रेट हाउस कमेंट कर दो तो मुझे पता भी चल जाएगा तुम लोग पूरी वीडियो देख ली हो। और वीडियो को लाइक तो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा। तो मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी इन पुरानी वीडियोस को देख लो एंड बाय बाय।